हेगल इज अगेन ए ग्रेट फिलोसोफर. उसने अच्छी बात की, उसने कहा कोई चीज ठहरती नहीं है, जो थीसिस पैदा होगा एंटाइथीसिस पैदा हो जाएगा. दोनों मिलके थोड़ी देर के लिए वक्फा करेंगे सिंथेसिस में, थोड़ी असर के बाद गलना सड़ना शुरू हो जाएंगे, फिर एंटीथीसिस पैदा. खादिन हजरात, उसकी बुनियाद पर मैं सेफली कह सकता हूँ कि जमहूरियत के इस दुनिया में सिर्फ 25 बरस रह गए हैं. नॉर्मली एंड ग्रेजुअली डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड विल बी जस्ट ए लॉस्ट स्टोरी. व्हाई? आसार अभी से पैदा हैं कि डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस आर बीइंग डिफीटेड बाय द पब्लिक ओपिनियन एंड ऑलमोस्ट 6 कंट्रीज हु हैव गॉट ए चेंज इन देयर किंगडम्स एंड इन देयर प्लेसिंग्स इन द किंग्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स आर नॉट बिकॉज ऑफ द असेंबलीज और नॉट बिकॉज ऑफ द चोजन कैंडिडेट्स, बल्कि एक इज्तमात ने, पब्लिक ने जो चाहा. वेरियोलेंट वायलेंट पब्लिक इकट्ठे होके किसी स्क्वायर में जाके, वो तहरीर स्क्वायर हो, वहाँ जाके वो सदर को चेंज करते हैं, निज़ाम को चेंज कर देते हैं. अगर ये सिस्टम जारी हो गया खातिन हजरात, डेमोक्रेसी विल रीच इट्स लॉस्ट लेग्स एंड एंड. मेरे नज़दीक इसकी उम्र अब 25 बरस से ज़्यादा नहीं रही है. ये रुड़ते गुलते कहीं किसी एक आध मुल्क में सिसक रही हो तो हो जाए, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई फलसफा हयात जो है ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रह सकता. डेमोक्रेसी को इसलिए ज़िंदगी ज़्यादा मिली कि ये एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी के मुकाबले में, एक निज़ाम पेश कर रही थी जिसकी वजह से लोगों को फ्रीडम का एहसास दे के ये फ्लरिश कर रही थी. सेकेंडली खादिन हज़रात, डेमोक्रेसी का अभी जो अगला ज़माना है, अब उसका कोई मैच नहीं है. ये अपनी मैक्सिमम स्टबर्नेस शो कर रही है. मसलन एक मुल्क अगर डेमोक्रेट है तो वो दूसरे मुल्क पर उस निज़ाम को ठोसने की मुसलसल कोशिश कर रहा है. अनदर काइंड ऑफ ए टिरनी ऑफ द पीपल बाय द पीपल ऑन द पीपल इज़ बीइंग बॉर्न. और ये सिलसिला ज़्यादा देर चल नहीं सकता. ये बहुत जल्द, वैसे भी कानून फितरत है कि अगर 70 साल उसने गुजारे हैं तो 170 ये गुजार लेगी. इसके बाद हर सूरत डेमोक्रेसी ने, पहले भी डेमोक्रेसी रही है मगर पहले थोड़ा अरसा रही है. जैसे एथनीज में, पेरिक्लिस की डेमोक्रेसी 35 बरस रही है, स्पार्टा में डेमोक्रेसी 15 बरस रही है. अब के ज़्यादा वक्त गुजार गई है इस खस्ता जान में, अब बाकी जान नहीं रही है. इवन दिस नाउ इज़ ऑन द एंड. और आपको अभी से नए सिस्टम के बारे में सोचना होगा.